हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स पढ़े थे और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिसमें आपका था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइसेज। अभी जो मेरा मेन टॉपिक है वो है आपका सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? A set of instructions given to the computer to solve a problem is called software. Software क्या होता है कि एक package होता है, एक programmed instructions होता है जो किसी particular task के लिए बनाया जाता है। For example, आपके computer को run करना है तो उसके लिए आपको के लिए operating system बनाया जाता है। तो उसमें क्या है, software क्या है, किसी भी application software भी हो सकता है, किसी भी use के लिए हम कुछ programming करते हैं, कुछ set of instruction बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो ये एक तरीके का हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, यानी कि अलग अलग प्रॉब्लम के लिए हम अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होते कितने तरीके के हैं? तो सॉफ्टवेयर आपके टू टाइप के होते हैं मेनली। फर्स्ट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हम जब अपने यूज़ के अकॉर्डिंग किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में या अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में, तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, जैसे भी लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम्स दैट डू रियल वर्क फॉर यूज़र, यानी कि जो यूज़र है उसको कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए, जैसे फ़ोटो की एडिटिंग करनी है तो उसके लिए फ़ोटोशॉप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यानी कि पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ में लाते हैं या अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, फोटोशॉप है, लोटस 1-2-3 है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि हम एज ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं, ऑफिस से रिलेटेड हमें डेटाबेस मैनेज करके रखना है तो हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। वर्ड की प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए हम एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। फ़ोटो की एडिटिंग करनी है तो हम फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। तो यानी अपने यूज़ के लिए हम जिस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक होता है आपका कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू नीड हम सॉफ्टवेयर को टेलर करते हैं पर्टिकुलर टास्क के लिए। जैसे आप देखिएगा, जैसे आपका अमेज़ॉन का है, फ्लिपकार्ट का है, यानी कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाती है, किसी भी कंपनी का हो सकता है। आप तो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन भी अपना खुद का वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस कर भी चुके हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि जो हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, मदरबोर्ड है, तो ये सारी एसेसरीज कब काम में आएगी, कब यूज़ में आएगी, जब हमारे पास कोई ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो इसी तरीके बोल सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या है कि जो हमारे कंट्रोल को मैनेज करता है और हमारे हार्डवेयर के जो भी ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करता है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी प्रोग्राम है उसको प्रॉपरली रन करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द बेसिक ऑपरेशन एज फॉलोज, कौन कौन से फंक्शंस करता है, सेविंग डेटा ऑन डिस्क, जो भी डेटा हम सेव करते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव होता है, मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर यूज़, हमारे कंप्यूटर को यूज़ के लायक बनाता है, यानी कि अगर हार्डवेयर है आपके पास कंप्यूटर है बट सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो हार्डवेयर को रन करने के लिए, उसको यूज़ में लाने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। ये आपके क्या है, विंडोज़ XP 2000, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, एप्पल लिनक्स, ये आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो क्वालिटीज़ आप अभी पढ़ी है आपने कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वही क्वालिटी सेम है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर को यूज़ेबल बनाता है। आपके पास कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, लेकिन वो तब तक यूज़ नहीं होगा जब तक आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। और आपका आपके कोर्स में है विंडोज़ एमएस विंडोज़ आपको पढ़ना है, आपके कोर्स में है। तो विंडोज़ के भी कई वर्जन होते हैं, जैसे आपका विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ 2000 है, यानी कि हर एक साल इसका कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसमें कुछ नया नया फीचर्स हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फीचर्स का जो मॉडिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आपका विंडोज़ का नेम चेंज होता जा रहा है। जनरली जो आमतौर पर जो हमारा पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, उसमें आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ होता है। अभी आप जनरली विंडोज़ 9 सभी लोग यूज़ करते हैं, विंडोज़ 8 सभी लोग यूज़ करते हैं, जनरली आपका विंडोज़ 10 भी आ गया है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं है। लेकिन विंडोज़ 10 आपका जो है वो पूरा का पूरा एंड्रॉयड फीचर पर बेस है, यानी कि जिस तरीके से आप मोबाइल में वर्क करते हैं उसी तरीके से आप अपने कंप्यूटर पर भी वर्क कर सकते हैं। पूरा का पूरा GUI सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि एक क्लिक पर आप अपना पूरा काम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके 3 पार्ट थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्या होता है? इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अ यूज़र टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन द कंप्यूटर। कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो सही तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली वर्क करे और चीज़ों को कंट्रोल करे। इट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये जनरली कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करता है। यूटिलिटी मीन्स होता है उसकी पर्टिकुलर उपयुक्तता, कि किसी भी चीज़ की उपयुक्तता क्या है, यानी कि ज़्यादा से अगर वो 100% वर्क कर सकता है तो हम उसको 100% किस तरीके से वर्क में लाएं। तो ये होता है आपका यूटिलिटी। एक टर्म है आपका डिवाइस ड्राइवर। अ डिवाइस ड्राइवर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स और कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज़ अटैच टू अ कंप्यूटर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि अगर आप किसी एक्सटर्नल डिवाइस को अपने कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं, तो वो आपका एक तरीके से ड्राइवर है जो हेल्प करता है अटैच करने में। जैसे आप कंप्यूटर में प्रिंटर का यूज़ करते हैं, प्रिंटर आपका एक अलग से एक्सटर्नल डिवाइस है जो किसी ना किसी केबल वायर के थ्रू आपके कंप्यूटर से अटैच किया जाता है। तो आप अपने कंप्यूटर को किस तरीके से अटैच करेंगे या किस तरीके कौन सपोर्ट करेगा अटैच करने में, तो ये काम आपका है डिवाइस ड्राइवर का। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे वाली बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ सकती हैं जो आपके यूज़फुल, आपके कोर्स से रिलेटेड यूज़फुल रहेंगी, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। 2-3 बार आप अगर वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमें अपने कोर्स में पढ़ने हैं, जैसे आपका MS विंडोज़, MS वर्ड है, एक्सेल है एंड PPT है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।